क्रिटिक्स बंदे का नाम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं सब? तो आई एम बैक विद अदर वीडियो, और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक हैक बताने वाला हूँ। हैक तो नहीं है, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हम या मोस्टली इन द वर्ल्ड जो प्रॉपर गेम्स खेलते हैं वो किसी भी किस्म का ब्लोट बर्दाश्त नहीं करते, खासकर विंडोज़ के अंदर, क्योंकि विंडोज़ खुद एक बहुत बड़ा ब्लोट है। जैसे कि आपको मैंने बताया, उसके लिए बहुत सारी ट्रिम हुए हुए वर्जन जो आप कह सकते हैं विंडोज़ के मिल जाते हैं नेट पे, नहीं तो आप खुद भी कर सकते हैं जिनको तरीका आता है एटलीस्ट। तो उसी तरह GPU के ड्राइवर्स के अंदर भी बहुत ब्लोट होता है। अभी जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप कहेंगे जी हाँ भाईजान ये तो बहुत ज़्यादा ब्लोट है, और ये जो तरीका है बहुत आसान तरीका है ड्राइवर इंस्टॉल करने से पहले इसको कर सकते हैं, एंड आई विल शो यू। बहुत लंबा ट्यूटोरियल नहीं करते हम, साथ साथ जल्दी जल्दी ट्यूटोरियल को ख़त्म करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा नॉर्मल एनवीडिया कंट्रोल पैनल है, और ये देखने से तो लग रहा है लेकिन जी फॉर एक्सपीरियंस आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने वो इंस्टॉल ही नहीं किया। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब आपने सबसे पहले जो है अपना ड्राइवर डाउनलोड तो करके रख लेना। ड्राइवर डाउनलोड करने का तरीका भी अगर आप लोगों को नहीं आता जो गूगल से कर सकते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। आप कुछ नहीं करते, यहाँ पर लिखते हैं एनवीडिया ड्राइवर डाउनलोड। जब आप ये लिखते हैं तो ये एनवीडिया ड्राइवर डाउनलोड की वेबसाइट पे यूँ है, ऑफिशियल वेबसाइट है एनवीडिया वालों की, यहाँ पे आप चले जाते हैं। और यहाँ पे जब आप जाते हैं, ये इस चीज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं ये पेज डायरेक्ट, नहीं तो गूगल से भी कर सकते हैं। वैसे मोस्टली आप लोग जो हैं 90% ज़्यादा समझदार हैं, और वो जो 10% जिनके पास समझ अक्ल बूझ नहीं है वो यहाँ से निकाल सकते हैं, उनके लिए मैं लिंक दे दूंगा। अगर आगे भी आप चाहते हैं आपको बताऊं तो आप देखिए, बस कुछ नहीं, अपना ग्राफिक कार्ड यहाँ सेलेक्ट करेंगे, GeForce का, टाइटन का, RTX Quadro, उसके बाद आगे मॉडल गेम ITC और पता नहीं इधर क्लिक हो गया। खैर उसके बाद जो मेन हमारा जो ट्यूटोरियल है वो है कि हम ब्लोट इसमें से कैसे रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस लिंक पे आना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपने इस पे क्लिक करना है। मेजर गीक्स वाली ये वेबसाइट है, इस पे आप डाउनलोड पर नाउ पे क्लिक करना है। जो सॉफ्टवेयर का नाम है एनवी स्लिमर, आपने बस डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है। एक दफ़ा मैं एक्सटेंशन बंद कर दूँ। डाउनलोड नाउ पे एक दफ़ा आप क्लिक करेंगे उसके बाद नया पेज ओपन होगा, और यहाँ पे लिखा होगा कि प्लीज़ वेट सम सेकंड, ये तकरीबन लिखा हुआ है 5 सेकंड वेट करें, डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी, और डाउनलोड ना हो तो फिर आप दोबारा इस पर क्लिक करें, डाउनलोड दोबारा हो जाएगी। मेरा देखें दो दफ़ा डाउनलोड हो गया, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ था। तो अब जिधर आपने वहाँ पे इसको डाउनलोड भी किया, जिधर आपने इसको डाउनलोड किया आपने वहाँ जाना है। मेरा जो है ये सिस्टम है इधर पड़ा है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये इसको आपने दो दफ़ा डाउनलोड हो गए तो डिलीट कर लेते हैं। इसको आपने पहले एक्सट्रैक्ट कर लेना। जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, लेकिन पता है आप लोगों की आसानी के लिए आप एक काम करें, आप एक फ़ोल्डर बना लें जिसका नाम हो ड्राइवर कर लें या कुछ भी कर लें, आसानी के लिए आपने इन दोनों चीज़ों को इसके अंदर डाल देना। इसके अंदर डाल के इसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना। जब इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये आ गया फोल्डर। आप इसको यहाँ से डिलीट मार दें। इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि अंदर रहेंगे तो ये ऑप्शन आ रहे हैं बहुत सारे। आपने nvslimmer.exe पे क्लिक करना और ये फिर इस तरह ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपने अपना ड्राइवर सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपने ड्राइवर डाउनलोड किया। ये देखिए हम ड्राइवर के फोल्डर में था, ये अपने ड्राइवर यहाँ से सेलेक्ट कर लिया हमने, और इसके बाद अब ये ओपन होगा। आप इधर से ब्लोट रिमूव कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं पैकेज ड्राइवर जो है या ड्राइवर पैकेज है सारा कुछ वो इसको लोड कर रहा है, और अब हम इसके अंदर से ब्लोट रिमूव करेंगे। बहुत आसान सा ट्यूटोरियल है, बहुत सिंपल सा ट्यूटोरियल है, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर मैं आपको सीरियस बताऊँ तो। ये आप देखें आ गया। अब इसके अंदर से आप ब्लोट देखें कितना है, इसके अंदर देखें पढ़ते जाएं जी। टेलीमेट्री सबसे घटिया तरीन, क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ है बैकग्राउंड में चलती रहती है, और आप क्या कह सकते हैं उसको पीछे पीछे भेजती है कंपनी को, जैसे विंडोज़ वालों के अजीब से रोले हैं। खैर वो बहुत सारी फजूल चीज़ें हैं। इसके अंदर जो मेन काम की चीज़ है ना वो ये तीन है, मैं आपको बताऊँ। एक कोर डिस्प्ले ड्राइवर, ये रिक्वायर्ड होता है इंस्टॉल को, और ये दो चीज़ें मेन है, रखनी है। तीसरी फिर आ जाती है फिजिक्स। ये जो पुरानी गेम है DirectX 9 और DirectX 10 पे जो चलती हैं उनके लिए, मेरे ख्याल है ज़्यादातर ये DirectX 9 और 9 से पहले की जो गेम है उनके लिए होता है ये। आप चाहें तो अगर आप खेलते हैं तो इसको कर सकते हैं, मैं इसको रखता हूँ क्योंकि कभी कभी खेलनी पड़ जाती है पुरानी गेम। इसके बाद GeForce एक्सपीरियंस करना नहीं है। इसके बाद आपने NVIDIA कंटेनर इसको सेलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको कंट्रोल पैनल नहीं दिखा। उसके बाद कुछ नहीं करना, आपने इसको अप्लाई पे क्लिक करना है, बाकी ये चीज़ें सारी रिमूव हो गई हैं। अब आपसे पूछेगा आपने इसको इंस्टॉल करना है या फिर इसको सेव करना है। मैं इसको डायरेक्ट इंस्टॉल मार लेता हूँ क्योंकि मैंने भी अपडेट करना है ड्राइवर, तो ऑब्वियसली मैं अपडेट करूँगा। अब रिकॉर्डिंग के साथ मैं अपडेट नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरा रिकॉर्डर क्रैश हो जाएगा। तो इट वॉज़ अ सिंपल ट्यूटोरियल, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। आप अपने तरीके से इसको टेस्ट कर सकते हैं यूट्यूब पर मज़ीद देख के, इसके सॉफ्टवेयर के बारे में देखें तो नॉर्मल चल गया ड्राइवर और कुछ भी नहीं है। तो या इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, और आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। तो मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप अपना ध्यान रखें, तब तक के लिए।
अल्लाह हाफिज़।